यही नहीं, 27 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग हुई। जब 27 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग हुई, 6 विधायकों ने हमारे क्रॉस वोट कर दिया। मुझे पता लगा, दिल तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन अगले दिन बजट था और बजट में आम परिवार के लोगों के लिए योजनाएं थी। वो योजना थी जो मनरेगा में लगे हुए मजदूर हैं, उनके लिए हमने 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। जो मनरेगा में गरीब महिला है, विडो महिला है, उसको 3 लाख रुपए मकान के लिए उपलब्ध करवाने की योजना हमने उसमें दी। जो किसान है वो अगर गाय पालता है या भैंस पालता है, उसका दूध बड़े सस्ते भाव में बिकता था, हमने गाय के मूल्य में जो 32 रुपए मिले फेडरेशन के द्वारा खरीदा जाता था, 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी और भैंस के दूध को 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। जितने सरकारी कर्मचारी थे उनको हमने 4% दिए की किस्त की घोषणा की। जितने पुलिस के कर्मचारी थे उनके डाइट मनी को हमने 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया। और जब 28 तारीख को बजट प्रस्तुत होना था, हम बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय मैंने कल्पना भी नहीं की थी जो सत्ता के भूखे लोग हैं वो इस सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। टीवी में चल पड़ा कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैं अभी विधानसभा में बैठकर बजट का रिप्लाई और बजट पास करने की तैयारी कर रहा था, कई पत्रकार आए कि आपने इस्तीफा दे दिया। उस समय मेरा आधा बजट की रिप्लाई चली थी, उस समय मैंने कुछ नहीं बोला। और जब मैं बजट का रिप्लाई करने जा रहा था, मैंने कहा मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मैं 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक आम परिवार का व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा है, वो इस्तीफा नहीं देगा, उसके साथ जनता का समर्थन है। आज मैं हम जनता के वोट से, आम जनता के वोट से चुनकर विधायक बने हैं। आम लोगों ने हमको वोट डाला है, मनिंदर राजन जी को आम लोगों ने वोट डाला है, और आम विधायकों ने चुनकर जब मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया, मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों के गरीब की दर्द, किसान की पीड़ा को दूर करने के लिए हम सत्ता में आए हैं। और जो जनता के बल से जीत कर आते हैं वो नोट के बल से बिकते नहीं है। तो क्या आप आने वाले समय में, मैं पूछना चाहता हूं, जिस नोट के बल से वो इस लोकतंत्र की हत्या करवाना चाहते हैं और नोट के बल से वो सत्ता हत्याना चाहते हैं, क्या जनता उन्हें कभी माफ करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? नहीं। दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बोलिए, सारे हाथ खड़ा करिए। भाई मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं, जो विधायक यहां से चुनकर गए आप लोगों के बोर्ड से, पंचकुला में बड़े आराम से 5-स्टार होटल में रुके, फिर डर लगा कि हम अपने पाप धोकर आते हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में गंगा मैया ने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ नहीं पाप धोएंगे, तुमको धोते धोते तो मैं ही पापी हो जाऊंगी, राम तेरी गंगा मैया का नारा है। फिर चले गए ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में अपना ध्यान लगाओ और सोचो कि आपने कहाँ गलती की है। आप डर क्यों रहे हैं? आपने गलती की है, आपने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। आप लोगों का वोट लेकर अपने वोट को आपने बेचा है, आप बिकाऊ है। और ऐसे बिकाऊ विधायकों का जनता कभी समर्थन नहीं कर सकती। क्या आप लोग समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इन विधायकों के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? नहीं करेंगे।
तो ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। उसके बाद देखिए बजट पास हुआ, बजट पास होने के बाद मैंने देखा कि जो भ्रष्टाचार के रास्ते हमने बंद किए थे उससे कितना राजस्व आया है, 2200 करोड़ रुपए का राजस्व आया। मैंने कहा इस राजस्व को हम जनता में बांटेंगे कि क्योंकि ये जनता का पैसा है। और हमने 18 साल से ऊपर जितनी भी हमारी बेटियां हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, 18 साल के ऊपर की जितनी भी महिलाएं बेटियां हमारी है, उनके जीवन के अंतिम सांस तक 80 साल की उम्र तक हर महीने हम उन्हें 1500 रुपए देने की मैंने घोषणा की। और 1 अप्रैल 2024 से ये मिलना शुरू हो जाएगा। ये किसका पैसा है? जनता का। ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा। और जो जनता के पैसे को लूट रहे थे उस रास्ते को मैंने बंद किया। और आने वाले समय में हमारी बेटी 18-19 साल के बाद जो हमारी क्षमता है, जितना हमारे पास पैसा है, वो जिंदगी भर 1500 रुपए मिलेगी और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी भी होगी। 1 साल में 18,000 रुपया अपनी 18 साल की बेटी को हम देने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के रास्ते बंद किए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगले 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का